कनौजी स्पेशल ट्रांसमिशन है आवाज टीवी तो ऐसी रहा हो झटको लगो वेस्ट इंडीज के होम टीम हुई सभी तरफ से सभी एक्सपर्ट चाहिए तो यार वेस्ट इंडीज जो है होम ग्राउंड से पहुंची वी सेमीफाइनल आराम से अगर सेमीफाइनल में न तो यानी सभी टीम के हारा वी ये फाइनल भी खटे सी यार टीम पर यो थो अज साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के हारा छो वेस्ट इंडीज जो है वर्ल्ड कप का बाहर थी गई हाँ साउथ अफ्रीका इंग्लैंड उन ग्रुप ग्रुप बी में जो है सेमीफाइनल में अची चुकी बई टीमू इन पास कड़ी टीम आई है अं कई खबर ना ग्रुप ए में छा इंडिया अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया ये टिन्ही टीम में को ब टीमों अगे इंद अभी खबर ही ना कड़ी टीम जो अगर आई है इंडिया चांस तमाम मुस्तकम लगे ये तो इंडिया जो ऑलमोस्ट 99% क्वालिफाई कर चुकी है पर अगर अजवारी मैच में ऑस्ट्रेलिया इंडिया के तमाम घने मार्जिन का हारा छोड़ो यानी 40 या 50 रन से हारा छोड़ो और जो है सुबाणी अफगानिस्तान बांग्लादेश के हारा छोड़ो वड़े मार्जिन से तो यो भी थी सके तो इंडिया इन वर्ल्ड कप में बाहर थी वे पर ये तमाम मुश्किल है अजवारी मैच अगर गाल क्यों इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो मैच है उनमें बारिश मुतवक है हिंसर भी हले पी थी बारिश उत ईंदड़ जो टाइम में मुसलसल बारिश है उतने 40% 30% 50% टोटल बारिश है अगर बारिश की वजह से ये मैच नहीं थे तो झटको लगनो सही ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया वह टीम है जो हमेशा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल फाइनल तीन तो पहुँची ही पहुँची है इवन वर्ल्ड कप भी खटे चुकी है हिंसर ओडीआई वर्ल्ड कप उनका पैर भी 2021 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया खटो पर इन दफे ये लगे तो अफगानिस्तान जो है जो उन हरायो कल ऑस्ट्रेलिया के वो ऑस्ट्रेलिया ला इंतहाई खराब साबित थी वो वर्ल्ड कप का ही बाहर थी ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में न पहुंची सकती अगर अज वाली मैच में बारिश अची वे सुबाणे अफगानिस्तान बांग्लादेश के हारा छे जो लगे ये तो बांग्लादेश कदरे घट कारदगी दिखारी है अफगानिस्तान का अफगानिस्तान बेहतर नजर अची थी ऑन पेपर इवन मू चन हाँ तो एशिया में टॉप टू अगर टीम की गाल क्यों तो पे इंडिया है उनका अफगानिस्तान है पाकिस्तान भी उनका पे है उनकी भी खबर को अगर पाकिस्तान की श्रीलंका बांग्लादेश का मैचू थे असबर पे वाकई अस टे नंबर से अचूँ था या ना बहरहाल हमारे साथ पैनल मौजूद होगा और शोएब रहमान साहब बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट है हमारे साथ होते हैं हमेशा उनका इंटरेस्टिंग तजिया होता है प्रडिक्शन उनकी हमेशा सही होती है उन्होंने भी कल कहा था कि यार अफगानिस्तान जो है ये जीत सकती है और जीत भी गई और फिर हम उनके साथ जो है नौजवान हमारे जो है क्रिकेट एक्सपर्ट है ताबिश मीर साहब जो कि एंकर भी है प्रोग्राम भी करते हैं स्पोर्ट्स का ताबिश और शोएब भाई आप दोनों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं शोएब भाई आपकी इजाज़त है ताबिश मीर से ताबिश भाई सबसे पहले ये बताएं ठीक है आपके साथ बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है तो ये भी पूछ लेते हैं लगे हाथों कि पाकिस्तान का जल्दी इस वर्ल्ड कप से बाहर होना सबसे बड़ी वजह कौन सी थी कि पाकिस्तान जल्दी इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया सुपर हिट में नहीं बोल सका जनाब हाँ बिल्कुल आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक आपने फरमाया कि क्या वजह थी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई वर्ल्ड कप से बाहर होने की अहम वजह यही है कि पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी थे वो पहले ही ग्रुपबंदी का शिकार थे नायल ही उनकी परफॉर्मेंस जो थी वो इंतहाई नायल परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे थे इसके अलावा अगर आप बात करें पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप तक तैयारियां कर रही है वर्ल्ड कप के दौरान भी यही बात हो रही है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो आप देखें जिस टीम ने वर्ल्ड कप से पहले अपनी बैटिंग ऑर्डर को डिसाइड नहीं किया हो बॉलिंग ऑर्डर उसकी बेहतर ना हो तो वो फिर किस एक्सपेक्टेशंस के साथ मैदान में उतरेगी बड़ा नुकता तो यही है फिर टीम की मुसलसल जो परफॉर्मेंस रही आप पहला मैच यूएसए से हारे जो आगे क्वालिफाई होने के बाद एक भी मैच नहीं जीत पाई इसके बाद आप दूसरा मैच जो है वो हिंदुस्तान से हारे जो लो टोटल टारगेट था फिर आप जैसे तैसे करके कैनेडा और आयरलैंड से जीते तो ये जो तमाम सिनेरियोज थे ये पाकिस्तान के लिए इतने फायदेमंद साबित नहीं हुए जिसके बाद पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के बड़े इवेंट से बाहर हो गई अब तो सवाल ये उठ रहा है कि एक जानब बात की जा रही सर्जरी होगी फिर दूसरी जानब ये कहा जा रहा है कि ये लफ्ज जो है मीडिया की जानब से आगे आया था मोहसिन नकवी ने कहा नहीं सर्जरी का ना तो उन्होंने ये लफ्ज दोहराया ऑन द रिकॉर्ड भी ये लफ्ज मौजूद नहीं है तो फिर ये लफ्ज आया कहाँ से सर्जरी का तो इसका भी तफसीली तौर पर अभी तक कोई बोर्ड की जानब से रद्द अमल आया नहीं है तो अब पाकिस्तान टीम पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त जिस हालात का सामना कर रही है तो इस वक्त तो सर्जरी की तो जरूरत है लेकिन एक अच्छे सर्जन की भी जरूरत है कब तक मोहसिन नकवी चलते रहेंगे इस तरह कि वो एक जानब अपने दीगर अहदे जो है वो भी संभाल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है दुनिया की तीसरी या चौथी बड़ी क्रिकेट नेशन है हम और इसके अलावा अगर बात करें हम एक टेस्ट क्रिकेट नेशन है तो इसका मजाक बनाने में अगर इस तरह के आपको अताई डॉक्टर रखने तो फिर तो हो गई आपकी क्रिकेट मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी को अभी इतना टाइम नहीं हुआ है वो आज भी अच्छे फैसले किए उन्होंने
डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ वापस आ रहे हैं कि उसको मजीद मुस्तकम किया जाए, मजीद अच्छा किया जाए, और प्लेयर्स के लिए भी अभी ये लागू कर दिया गया है कि वो एनी हाउ डोमेस्टिक खेलेंगे, उसके बाद ही पाकिस्तान टीम में आएंगे। तो कुछ ऐसे अच्छे फैसले भी, अपग्रेडेशन भी चल रही है मुख्तलिफ, अपने कजाबी स्टेडियम की भी, नेशनल बैंक स्टेडियम की, अच्छे फैसले उनकी तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन अभी टाइम चाहिए उनको भी। पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो किया है, यानी बाबर आजम को एक बार फिर से बनाया गया कप्तान, और जनाब शाहीन शाफी से कप्तान ली गई वापस, प्लेयर्स को बाहर से लाया गया। जी जी ताबी, नहीं आप ये बात जो कह रहे हैं ना कि बाबर आजम को बनाया गया है, फिर बाबर आजम ने कुछ किया, बाबर आजम ने ना कुछ, उन्हें जिन्होंने बनाया वो तो मोहसिन नकवी थे, उन्हीं के हामी पर उन्हें वापस से कप्तान लगाया गया। मोहसिन नकवी के पास ही गया था ना बाबर का नाम, वहां पर रियाज लेकर उन्हीं के पास गए थे। और आप देखें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ये क्रिकेट टीम या क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये चिड़ियाघर से कम है ही नहीं। वहाब रियाज बहैसियत तोता पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर काम करते हैं। जका शरफ के टिन्योर के अंदर वो खुद कह रहे थे कि मोहसिन नकवी जब नहीं आए थे, जका शरफ साहब थे, तो वो कह रहे थे कि बाबर को कप्तानी से हटाओ, उसकी वजह से 2023 वर्ल्ड कप हम आ रहे हैं। जब मोहसिन नकवी आए तो वापस से उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बना दिया। जिस सिलेक्शन कमेटी में लोग रखे, कल तक बाबर आजम के मुतालिक वहाब रियाज तनकीद करते थे, अब्दुल रजाक तनकीद करते थे, आज जब वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने तो उनके लिए बाबर आजम जो है सबसे बेहतरीन कप्तान बन गए। इतना बुरा हाल कर दिया आपने, आपके गलत फैसलों ने, और ये गलत फैसले किसने करने की इजाजत दी? करने की इजाजत एक ही शख्स ने दी जिसको इतने ज्यादा इख्तियार दिए थे, जिसको चेयरमैन बनाया गया था। आईनी तौर पर वो शख्स गलत चेयरमैन बना, इसलिए गलत बना क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आईन है वो कहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का वो शख्स चेयरमैन बन सकता है जिसको वजीर आजम चेयरमैन बनाए। निगरा वजीर आजम नहीं, अनवार उल खाकड़ साहब की हिदायत पर चेयरमैन बन गए वो, और क्रिकेट को डील ही गलत किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल गलत है। शोएब भाई, आप क्या कैसे कहते हैं कि जैसे ताबिश कह रहे हैं कि चिड़िया घर